अब से आधार कार्ड का प्रयोग कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से नहीं कर पाएगा। इसके लिए UIDAI ने एक नई टेक्निक को लॉन्च किया है, उसको हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने पिछले जो क्वेश्चन था वो हम देख लेते हैं। पिछला क्वेश्चन था, भारत का पहला मरीना किस राज्य में बनेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। आपको बता दें कि अब से आधार कार्ड का प्रयोग कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, उसके पीछे रीजन है, कारण है, क्योंकि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने आधार को और सिक्योर करते हुए, यानी कि उनको सिक्योरिटी ज़्यादा देते हुए एक टेक्निक को लॉन्च किया है, और इसकी मदद से फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण और स्पूफिंग प्रयासों को तेज़ी से जाँचा जा सकता है, जो किसी भी आधार यूजर के डेटा को क्या कर देगा, सुरक्षित कर देगा, सेफ रखने में बहुत ही सहायक साबित हो जाएगा। यह टेक्नोलॉजी क्या है? यह टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आधारित है। इसकी मदद से अब यूज़र के फिंगरप्रिंट कैप्चर के समय, जब यूज़र के फिंगरप्रिंट कैप्चर होगा उस समय क्या होगा, फिंगर की सजीवता को जांच करेगा। अब फिंगर की सजीवता को जांच कौन करेगा, फिंगर मिन्यूसिया और फिंगर इमेज जैसे जो टूल्स होंगे इनके संयोजन से इसकी जांच हो जाएगी। यह नया टू फैक्टर लेयर ऑथेंटिकेशन फिंगरप्रिंट की सजीवता या फिर लाइवनेस की जाँच के लिए एड ऑन चेक जोड़ा गया है, और इसकी मदद से स्पूफिंग प्रयासों की संभावना को और कम किया जा सकता है। इस नई टेक्निक में निश्चित तौर पर आधार की सुरक्षा को मजबूती दिया जाएगा या फिर पुख्ता हो जाएगा। इसकी AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टेक्नोलॉजी ने आधार के वेरिफिकेशन को काफ़ी सुरक्षित कर दिया, सेफ कर दिया, और इसकी मदद से क्या होगा, अब बैंकिंग और वित्तीय, दूरसंचार और सरकारी क्षेत्रों सहित अन्य आधार वेरिफिकेशन सर्विसेज को सुरक्षित बनाया जा सकता है, यानी कि सेफ किया जा सकता है। अब धोखाधड़ी कोई नहीं कर सकता है, अब क्या होगा, इसको लोग सेफ समझेंगे। फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण की यह सुविधा पूरी तरह से शुरू हो गई है। UIDAI ने इसके संबंध में अपने भागीदारों और उपयोगकर्ता एजेंसियों से चर्चा की है। इसके बाद इस नई टेक्नोलॉजी का रोल आउट और माइग्रेशन पूरा किया जा सकेगा। प्रमाणीकरण उपयोगकर्ता एजेंसियों के साथ UIDAI ने लगातार समन्वय बनाए रखा है ताकि नई टेक्नोलॉजी के उपयोग में किसी प्रकार की कोई समस्या या त्रुटि न उत्पन्न हो। एक आंकड़ा के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक आधार प्रमाणीकरण लेन देन की संख्या करीब 88 बिलियन को पार कर गई है, यानी कि हम अगर इस हिसाब से देखेंगे औसतन प्रतिदिन 70 मिलियन का लेन देन किया जा रहा है, जिनमें अधिकांश फिंगरप्रिंट आधारित प्रमाणीकरण लेन देन था, और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आज के समय में आधार का उपयोग और आधार की सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण हो गई है। चलिए हम आज का प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न एक, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। UIDAI ने आधार को सिक्योर करने के लिए एक ऐप को लॉन्च किया है। आधार फिंगर की सजीवता की जाँच के लिए फिंगर मिन्यूसिमा और फिंगर इमेज जैसे टूल्स का उपयोग किया जाएगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें चार ऑप्शन दिए गए, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।